नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर स्निग्धोदीप शाह, बीएचएमएस डॉक्टर कोलकाता से। आज हमारा टॉपिक है हेयर फॉल और उसका जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, कैसे आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कॉजेज होते हैं हेयर फॉल के, एंड हेयर रिग्रोथ का क्या कोई तरीका है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहले ही बोलते हैं कि हेयर फॉल ये एग्जैक्टली होता क्या है। नॉर्मली 8-10 हेयर फॉल जो हमारा होता है रोज स्कैल्प से, इसको हम हेयर फॉल डिजीज के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है। कुछ हेयर के तीन, एक्चुअली लाइफ साइकिल में तीन चीज़ होते हैं, एनाजेन, टेलोजन एंड कैटाजेन। ये तीन फेज में हेयर्स रहते हैं। अभी एक एक जो फॉलिकल होते हैं हमारे स्कैल्प का, वो अपने लाइफ टाइम में 7 हेयर फॉर्म करवा सकता है। सो क्या होता है नॉर्मली फिनोमेनन, एक हेयर जब ये तीन फेज इसका क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाने के बाद वो गिर जाता है, तो वो फॉलिकल रह जाता है। फॉलिकल वहाँ से फिर दूसरा हेयर एक उगाता है। सो ऐसे करके अपने लाइफ टाइम में एक फॉलिकल टोटल 7 हेयर तक उगा सकता है। प्रॉब्लम हो जाता है तब जब हमारा ये 10-12, 8-10 हेयर फॉल से ज़्यादा बढ़ के 25-30, 50-100 तक भी क्रॉस कर जाता है कभी कभी। कॉजेज बहुत सारे हैं हेयर फॉल के। 80% कॉज तो है जेनेटिक, क्योंकि जिसके फैमिली हिस्ट्री में कोई बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का बहुत लाइकली है कि उन लोगों का हेयर फॉल होगा और बॉल्डनेस भी फॉर्म होगा। मेल पैटर्न में मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोल के एक चीज़ होता है, उसका 7 ग्रेड होते हैं। जनरली वो जेनेटिकली आता है। फीमेल पैटर्न में फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, जेनेटिकली जो आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस और है, लाइक विटामिन डी डिफिशियंसी। बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, सो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरा, इन केस ऑफ फीमेल, पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसा डिजीज है जिसके चलते पूरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, सो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। तीसरा होता है थायराइड डिसऑर्डर, सो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड जो भी हो, मतलब TSH लेवल कम हो जाना या बढ़ जाना, उसके वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा स्कैल्प का कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक रिंगवर्म ऑफ स्कैल्प, पिटिलियसिस ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प का डैंड्रफ या स्कैल्प का कोई भी दूसरा टाइप का इन्फेक्शन, ये सारे स्कैल्प डिसऑर्डर के वजह से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। अभी हेयर फॉल का तो बहुत सारे रीजंस पता चल गया, लेकिन उसको प्रिवेंट कैसे करें हम? सो बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, मैं तो ऑयलिंग करता हूँ फिर भी मेरा हेयर फॉल होता है। आप ऑयलिंग कर रहे हैं इसीलिए शायद आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि आपका स्कैल्प ही ऑयली है। लेकिन अलग से ऑयलिंग करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग डैंड्रफ हैं वो स्कैल्प के लेयर में एकदम चिपक के रह जाते हैं। सो उसके वजह से क्या होता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है बहुत दिनों रहने के बाद, और इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल हो जाते हैं। भीगे बाल कभी भी कॉम्बिंग ना करें, इसीलिए देखेंगे कि जो मानसून का सीजन होता है उसमें हमारा ज़्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि हमारे वेदर में मॉइस्ट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है। सो एनी मॉइस्ट कोई सिचुएशन हो, या स्कैल्प मॉइस्ट हो, या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा परस्पिरेशन हो या स्वेटिंग हो स्कैल्प में, तब देखेंगे ज़्यादातर हेयर फॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो हेयर रूट जो होते हैं ना वो थोड़ा लूज हो जाते हैं। बाल को पहले सुखाइए, उसके बाद कॉम्बिंग कीजिए। कॉम्बिंग रेगुलरली कीजिए, क्योंकि कॉम्बिंग से या ब्रशिंग करने से स्कैल्प में सर्कुलेशन बेहतर होता है, सो सेल्स में न्यूट्रिशन पहुंचता है और हेयर फॉल नहीं होता था। और शैम्पू के बारे में ध्यान रखिएगा, आपके स्कैल्प टाइप के हिसाब से शैम्पू चूज कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो कीटोकोनाजल टाइप के शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, जो है मेडिकेटेड शैम्पूज। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस अगर आपके स्कैल्प में है तो सैलिसिलिक एसिड जो जिसमें होते हैं वैसे शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हैं, सो ऑयल भी कंट्रोल रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है तो कोई भी माइल्डर शैम्पू यूज़ कीजिए, प्रेफरेबली आर्नी का शैम्पू होते हैं, होम्योपैथिक आर्नी का शैम्पू बहुत अच्छा है नॉर्मल हेयर टाइप के लिए या नॉर्मल स्कैल्प टाइप के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 5 बहुत ही स्पेशल होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो हेयर फॉल के ऊपर बहुत एक्सलेंटली काम करता है, अगर ये जनरलाइज हेयर फॉल हो तो। कोई डिजीज के चलते अगर हेयर फॉल हो रहा है, लाइक थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवरी, विटामिन डी, वो अलग चीज़ है। जनरलाइज हेयर फॉल के लिए ये 5 मेडिसिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एज पर सिम्टम इसको ले सकते हैं। पहला मेडिसिन जो आता है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 में या 200 पाउंड में आप ले सकते हैं दिन में एक बार करके। फॉस्फोरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉस्फोरस पेशेंट्स जनरली कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, ये उन लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है। इसके साथ साथ फॉस्फोरस जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े लंबे टाइप के होते हैं और सामने झुके हुए होते हैं। तीसरा होता है फॉस्फोरस का, ये लोग सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है फॉस्फोरस के जो सिम्टम्स। इसके अलावा
कोई भी हेमोरेजिक डिसऑर्डर अगर है, मतलब थोड़ा सा कट गया बहुत सारा ब्लड निकलता है, सो फॉस्फोरस इस केस में बहुत उपयोगी होता है। दूसरा मेडिसिन हम आते हैं नेचुरल म्यूर, सिमिलर है फॉस्फोरस की तरह कुछ हद तक, लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन भी है। नेचुरल म्यूर पेशेंट फिश खाना बहुत पसंद करते हैं, खाने के साथ उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में सॉल्ट की कमी होती है, इसलिए उसको फिलअप करने के लिए वो अलग से कच्चा नमक लेते हैं खाने के साथ। नेचुरल म्यूर उस केस में भी बहुत अच्छा काम करेगा जब आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी के बाद बहुत हेयरफॉल हो रहा है हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से, तो नेचुरल म्यूर बहुत उपयोगी है। अगर क्रॉनिक कोई ग्रीफ आपको है या क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रह रहे हैं, तो उसके लिए भी नेचुरल म्यूर बहुत उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए। तीसरा मेडिसिन है सल्फर, सल्फर 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। सल्फर पेशेंट पूरा नेचुरल म्यूर से उल्टा है। सल्फर पेशेंट क्या करता है, उनको मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद होता है। सल्फर केसेस में जनरली सिर्फ हेयर फॉल नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स, दूसरा कोई स्किन डिसऑर्डर्स भी एकम्पनी करता है। वो स्कैल्प का भी हो सकता है, वो स्किन के बॉडी के दूसरे जगह का भी हो सकता है, कोई भी मतलब ऐसा पर्सन जो बार बार स्किन डिजीज उसको होता हो और मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद करता हो और वो हॉट पेशेंट हो, मतलब उसको गर्मी के सीज़न एकदम उसको सहन नहीं होता, ठंडी के सीज़न में वो अच्छा रहता है, ये होता है सल्फर पेशेंट। सल्फर में और एक खासियत है, ये स्कैल्प में इचिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या बॉडी में भी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो सल्फर एक्सेलेंट मेडिसिन है उसके लिए। इसके बाद नंबर फोर मेडिसिन इज एसिड हाइड्रोफ्लोर या एसिड फ्लोर। एसिड हाइड्रोफ्लोर आप 30, 200, इनफैक्ट 1 mPa तक ले सकते हैं। एसिड हाइड्रोफ्लोर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर जनरलाइज हेयरफॉल नहीं होता है, मतलब पूरे स्कैल्प से हेयरफॉल नहीं होता, छोटे छोटे स्पॉट्स में हेयरफॉल होते हैं। सो ये एसिड हाइड्रोफ्लोर एलोपेशिया केस में भी बहुत अच्छा काम करता है। जब देखेंगे कि छोटे जगह से एक कॉइन शेप में बाल उठ के चला गया है और शाइनी हो गया है अपियरेंस, एसिड हाइड्रोफ्लोर वहाँ पर बहुत उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आते हैं और एक मेडिसिन, उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। लाइकोपोडियम पेशेंट्स कुछ फीचर्स होते हैं, ये पेशेंट बहुत स्लगिश होते हैं, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ लाइकोपोडियम पेशेंट में देखा जाता है कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम एकम्पनी करता है हेयरफॉल के साथ। लाइकोपोडियम पेशेंट मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद करता है सॉल्टी से। और दूसरा है लाइकोपोडियम पेशेंट हमेशा गर्म चीज़ लाइक हॉट बेवरेजेस उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक चाय कॉफ़ी उसको ज़्यादा पसंद है अदर देन कोल्ड ड्रिंक और कोई भी ठंडा चीज़ बोलिए उससे। सो एज पर दिस सिम्टम्स आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कोई भी पेशेंट के लिए मतलब कुछ ही मेडिसिन होते हैं जो उसके ऊपर काम करेगा, लाइक हेयरफॉल आपको हो रहा है, आपके दोस्त को हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर को हो रहा है, लेकिन सबके लिए मेडिसिन अलग अलग होगा क्योंकि सबका लाइफस्टाइल और सबका प्रेफरेंसेस अलग अलग है। होम्योपैथी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। सो कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन के पहले ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। अभी हेयरफॉल का तो जो खाने वाले या इंटरनल मेडिसिन हो गए, दो बोनस मेडिसिन मैं आपको बोलूँगा जो लगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसमें से नंबर वन होता है आर्निका, आर्निका मदर टिंचर। आर्निका मदर टिंचर में क्या होता है, वो अगर स्कैल्प में आप अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा आर्निका कोई भी अगर कहीं पर आपको ब्रूइस हो गया हो या मतलब कोई ब्लैकनिंग चोट के वजह से कोई कहीं पर ब्लैकनिंग हो गया हो, मतलब ब्लड अगर वहाँ पर जम जाए, तो आर्निका लगाने से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के उस क्लॉट्स को तोड़ा जा सकता है। ये बहुत सारे लोग घर में भी यूज़ करते रहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है स्कैल्प के ऊपर में भी। अगर देखा जाए कि स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया हो फॉर सम reasons, आर्निका अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ब्लड का रश होगा, स्कैल्प का सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगा और हर सेल्स में न्यूट्रिशन पहुँचने लगेगा। और दूसरा है जैबोरंडी। जैबोरंडी भी मदर टिंचर में आप स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। जैबोरंडी बहुत सालों से चलता आ रहा है होम्योपैथी में, नंबर वन मेडिसिन इसको बोला जाता है बालों के लिए। अभी मेडिसिन तो हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा हेयर फॉल अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हेयर रीग्रोथ भी होगा। देखिए इन जनरल कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली मेडिसिन लेने से हेयर रीग्रोथ हो जाता है, लाइक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटलीज, कीमोथेरेपी के वजह से अगर आपका हेयर फॉल हुआ हो तो वो हेयर फॉल भी इंटरनल मेडिसिन से, खाने वाले मेडिसिन से या लगाने वाले मेडिसिन से वापस आ सकते हैं। लेकिन ये कुछ फ्यू केसेस ही हैं, लाइक किसी का जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, ये 4 diseases हुआ है, एक्यूट कुछ डिजीज, बड़ा डिजीज, उसके बाद हेयर फॉल हुआ है, वो भी ऑटोमेटिकली वापस आ सकते हैं। प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होता है वो भी वापस आ सकते हैं। अगर ये जेनेटिकली है, लाइक जो 80% केसेस में होते हैं, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो पैटर्न बॉल्डनेस फॉर्म हो जाता है,
और शाइनी जो लुक आ जाता है स्कैल्प में, वहाँ पर शायद कोई भी खाने वाला मेडिसिन या लगाने वाला मेडिसिन से आपको रिग्रोथ ना हो पाए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाते हैं कि वो हेयर रिग्रोथ के क्लेम करते हैं, बट इन जनरल जेनेटिक केसेस में हेयर रिग्रोथ ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि जेनेटिक केसेस में जो होता है प्रॉब्लम, बॉडी में डीएचटी बोल के एक चीज़ फॉर्म होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपके बॉडी में है ऑलरेडी, वो मेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी में भी थोड़ा सा थोड़े कम अमाउंट में वो होते हैं। वो 5-alpha reductase नाम का एक एंजाइम के साथ मिक्स होता है। ये 5-alpha reductase एक एंजाइम ऐसा है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में। जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मेरे फादर का नहीं है तो मेरा जेनेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है। जेनेटिक अगर देखने जाएंगे तो दो साइड के, मतलब फादर के साइड में और मदर के साइड में, 3 generation तक देखना पड़ता है कि किसी का वैसा प्रॉब्लम कुछ था कि नहीं था। अगर था तो वो 5-alpha reductase उनके थ्रू आपके बॉडी में आया हुआ होगा। ये 5-alpha reductase जब बॉडी में आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिक्स होकर एक नया चीज़ फॉर्म करता है, इसका नाम होता है डीएचटी या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का एक स्पेशल एफिनिटी होता है स्कैल्प का जो फॉलिकल है उसमें जाके वो जमा हो जाता है। एक बार डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जमा होना स्टार्ट हो गया तो कोई भी खाने वाला मेडिसिन और लगाने वाला मेडिसिन काम नहीं करेगा उसमें। सो उसको हटाने के लिए भी 2 scientifically proven procedures दुनिया में है। एक, नंबर 1, हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरे जगह का बाल आपके स्कैल्प से दूसरे जगह से उठा के खाली जगह में बिठाना। और चिंता मत कीजिए, जहाँ से उठाएंगे वहाँ पर डीएचटी का रिसेप्टर नहीं होता तो वहाँ पर खुद ब खुद बाल उग जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। दूसरा होता है डर्मास्टैम टेक्नोलॉजी। डर्मास्टैम टेक्नोलॉजी एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी एंड बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। डर्मास्टैम में क्या किया जाता है, स्कैल्प में मेडिसिन डाल के एक छोटे से मशीन होता है डर्मास्टैम, उसके थ्रू प्रिकिंग करते हुए स्कैल्प के नीचे के लेयर में, मतलब जहाँ पर डर्मिस, जहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पर डीएचटी का ब्लॉकिंग होता है, उस लेयर में मेडिसिन को पहुँचाया जाता है। वहाँ पर जाके मेडिसिन डायरेक्टली वो डीएचटी ब्लॉकिंग को तोड़ता है और वहाँ से नए बाल को वो उगाता है। ये वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर आपके फॉलिकल जिंदा है लेकिन वहाँ पर डीएचटी का ब्लॉकिंग है। एक बार फॉलिकल डेड हो चुका तो वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करने वाला। होपफुली आज जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हेयर फॉल के बारे में या हेयर रिग्रोथ के बारे में, ये आपके काम आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको एक लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत है आपके आसपास, कोई दोस्त को या कोई फैमिली मेम्बर को, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा तो उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक 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 टॉपिक में हर हफ्ते नए वीडियोज़ आने वाले हैं और आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।